हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेम्पटिंग रसोई। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ समोसे बनाना और समोसे का चाट बनाना। और समोसे भी मैं जो है ड्राई फ्रूट्स वाले बनाऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए मैदा, अजवाइन, नमक और तेल। समोसे की फीलिंग के लिए हमें चाहिए आलू, कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, जीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला और पिसी हुई मिर्च, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मिक्स हुए जिसमें मैंने काजू, बादाम और किशमिश लिए हैं और हरी। देखिए कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। अब इसमें मैं जीरा डाल दूंगी। जीरा डालने के बाद मैं इसमें अदरक डाल दूंगी। जीरा देखिए मेरा चटकने लगा है, इसमें अदरक डाल दूंगी। अदरक जब थोड़ा सा भून सा जाए तो इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। और ये सब जो है हम मीडियम फ्लेम में करेंगे, गैस को मीडियम करके। इसके बाद हरी मिर्ची डाल देंगे। अब इसके बाद इसमें हम ये आलू डाल देंगे। फ्रेंड्स, उबले हुए आलू को मैंने बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया है, बस हल्का सा मैंने उसको तोड़ दिया है बस। अब इसमें जो है स्वादानुसार नमक डाल देंगे। गरम मसाला, धनिया पाउडर और पिसी हुई मिर्च। फ्रेंड्स, अगर आपको मिर्च कम पसंद है तो आप जो है मिर्च इसमें हल्की कर सकते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच अमचूर मसाला, अमचूर डाल देंगे और हरी धनिया। अब इन सबको अच्छे से मिला के भून लेंगे। अगर फ्रेंड्स आप चाहे तो इसमें हरी मटर भी बॉईल करके डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। अब ये आलू बिल्कुल भून के तैयार हो गया है गैस को बंद करके, और इसको मैं ठंडा करने के लिए निकाल लेती हूँ। तब तक मैं मैदे का को गूंद के और उसको आलू को भरने के लिए उसका डो तैयार करती हूँ। अब जो है एक बाउल लेंगे, उसमें मैदा डालेंगे। उसके बाद इसमें हम 3 से 4 चम्मच जो है रिफाइंड तेल, घी, जो भी आप डालना चाहे डाल दीजिए। उसके बाद इसमें हम अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हाथ से ऐसे क्रश करके डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए ये मिक्स कर रही हूँ मैं अच्छे से इसमें। देखिए अगर हमारा मोइन कितना अच्छा है, नहीं है, देखिए अभी हमारा मोइन अच्छा नहीं है, इसमें कम है, तो इसमें हम थोड़ा सा और डालेंगे। ये देखिए मोइन अच्छा पड़ा होएगा इसमें, तो हमारा समोसा जो है बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा, वरना बहुत ही हार्ड बन जाएगा। देखिए अब ये देखिए ये ऐसे लड्डू सा बन रहा है, यानी हमारा मोइन इसमें एकदम बहुत ही अच्छा पड़ा हुआ है। ये देखिए अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। और नमक मिला के फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूंद लेंगे। इसको बहुत ही ढीला नहीं गूंदना है और ना ही बहुत टाइट गूंदना। देखिए अब ये हमारा मैदा गूंद के एकदम तैयार हो गया। ये देखिए अब इसको थोड़ा सा चिकना करने के लिए ये देखिए हाथ में थोड़ा सा तेल लेके और इसमें लगा के ये देखिए ऐसे। अब इसको 10 से 15 मिनट सेट होने के लिए रखिए। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो आटा है इसका, ये समोसे का जो मैदा था, ये हमारा देखिए एकदम परफेक्ट हो गया है। 10 मिनट हो गए इसको रेस्ट करते हुए।
अब हम इसकी ऐसे लोइयां बनाएंगे। ये देखिए इसको, देखिए थोड़ा लंबा लंबा ही बेलना होता है। ये देखिए ऐसे, ये देखिए बहुत पतला भी नहीं बेलते। फिर इसको ऐसे चाकू से काट के और थोड़ा सा पानी यहाँ पे देखिए इस साइड पानी लगाते हैं, इस साइड नहीं लगाते जिधर ये देखिए ऐसे है, जिस साइड से ये कटा होता है उस साइड से ऐसे पानी लगा के इसको ऐसे कोन की तरह बना लेते हैं। ये देखिए ऐसे कोन की तरह बना लेते हैं। फिर उसके बाद इसमें आप आलू भर दीजिए, ये देखिए। और मैंने आपसे बोला था मैं ड्राई फ्रूट्स वाले भी बना रही हूँ इसमें, तो मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ जिसमें मैंने काजू बादाम किशमिश लिए हैं। आप चाहे तो और भी डाल सकती हैं इसमें, थोड़े से और आलू डाल के इसमें, ये देखिए थोड़े से और आलू डाल दिया मैंने इसमें, ये देखिए। और इसको थोड़ा सा पानी ऐसे लगा के और इसको ऐसे बंद कर देते हैं। देखिए ये समोसे ऐसे बनके तैयार हो गए हैं। अब जो है मैंने तेल को गरम कर लिया है, लेकिन गरम बहुत ज़्यादा गरम नहीं किया, हल्का गरम करने के बाद मैंने इसको गैस को लो फ्लेम में कर दिया है। अब मैं इसमें ये समोसे डाल दूंगी। समोसे जो है हमारे वो लो फ्लेम में ही बनते हैं पहले शुरुआत में, फिर उसके बाद जब थोड़े से पक जाते हैं हल्का सा क्रिस्पी सा हो जाता है उसके बाद हम इसमें थोड़ा मीडियम फ्लेम पे कर देते हैं। हाई फ्लेम पे कभी भी समोसे नहीं बनते हैं वरना वो कच्चे रह जाएंगे। देखिए अब ये हमारे ये समोसे तल के एकदम तैयार हो गए हैं, ये देखिए। देखिए मेरे समोसे तो बनके तैयार हो गए थे, अब मैं आपको समोसे चाट बनाना बताऊंगी। ये देखिए समोसे को ऐसे मैंने, ये देखिए कितना मेरा क्रिस्पी भी बना है समोसा, देखिए ये देखिए और सॉफ्ट और क्रिस्पी बना। देखिए ये ड्राई फ्रूट्स भी इसमें दिख रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स वाले हैं ये। ये देखिए ऐसे समोसे को तोड़ा, उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से छोले डाले हैं। आपके घर में छोले बने हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें सफ़ेद वाली मटर वाले जो छोले होते हैं वो बॉईल करके डाल सकते हैं। ये देखिए छोले डालने के बाद मैंने इसमें हरी चटनी डाली है, इसके बाद मैंने इसमें अमचूर वाली खट्टी मीठी चटनी डाली है मैंने। मैं आपको अपने अगले वीडियो में अमचूर की चटनी कैसे बनती है खट्टी मीठी वो बताऊंगी। ये देखिए अमचूर वाली खट्टी मीठी चटनी। उसके बाद मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा काला नमक डाला है मैंने, जीरा पाउडर, और थोड़ी सी खट्टी चटनी और हरी वाली हरी चटनी थोड़ी सी और डाली है। उसके बाद मैंने इसमें दही डाली है थोड़ी सी, और प्याज डाला है। देखिए प्याज डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी भुजिया डाली है। भुजिया डालने के बाद आप इसमें थोड़ी सी खट्टी चटनी और डाल दीजिए हरी वाली, और थोड़ी सी दही। देखिए ये हमारा समोसा चाट देखिए तैयार हो गया। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, ये देखिए देखिए
ये मेरी समोसे की चाट और समोसा बनके तैयार हो गया है। इसको मैंने खट्टी मीठी अमचूर की चटनी के साथ सर्व किया है और हरी चटनी के साथ। खट्टी मीठी अमचूर की चटनी की रेसिपी आपको मैं अगले वीडियो में दे दूंगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।